हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। इस नए ब्लॉग में सभी लोग को स्वागत करते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अरेल घाट। आपने लास्ट में जो वीडियो देखा था, जो नैनी ब्रिज का मैंने वीडियो बनाया था, उसके जस्ट बगल में अरेल घाट पड़ता है और काफ़ी फेमस है। यहाँ प्रयागराज में काफ़ी फेमस है। यह इस टाइम पर अरेली घाट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं अरेल घाट का इस तरह कुछ व्यू पॉइंट है और काफ़ी मस्त लग रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। अभी लगभग 1 बज रहा है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है इतनी धूप में। ये समझ लीजिए यहाँ पे सुबह शाम कितनी भीड़ लगती हुई है। यहाँ पे सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हैं बगल में नदी हमारे, और इससे इस नदी को यमुना नदी कहते हैं। और इस टाइम पर जलस्तर काफ़ी इसका बढ़ चुका है। काफ़ी मतलब प्रयागराज में आपने सुना होगा प्रयागराज में बाढ़ आ गई है, तो इस टाइम पर काफ़ी पानी है, बाढ़ आ चुकी है। काफ़ी मस्त लग रहा है मौसम। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे इंटरव्यू चल रहा है अरुण सर का। इधर ये देख सकते हैं, मैंने इनका वीडियो थोड़ा सा लिया है, मैं भी डाल दूंगा, आप देख लेना। इन्होंने बताया यमुना जी के बारे में और गंगा जी के बारे में, कैसे इसको प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं फेंकना चाहिए। तो आप वीडियो में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। अभी हम आकाश जा रहे हैं नीचे। क्या आकाश? हाँ, अच्छा मस्त लगा ना इनका यार, बहुत ही मस्त है यार। जो इनका अरुण सर नाम बोलने का तरीका था तो बहुत अच्छा था भाई। लेकिन ये बात है, ये गंगे के लिए मतलब वो कर रहे हैं क्या, मुकदमा दायर कर दिए हैं गंगे के ऊपर, मुकदमा लड़ रहे हैं सरकार से गंगा सफाई के लिए। लेकिन एक बात है यार, हम सबको यार मिल के यार सफाई रखना चाहिए यार, मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए। नदी है यार, अपनी है, बचा कर रखेंगे गंगा को, यमुना जी को, हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये। कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, कभी इसके अंदर कूड़ा कबाड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो बचा के भाई बचाना चाहिए गंगा जी को। तो अभी हम आकाश जा रहे हैं नीचे, चलता जा आकाश नीचे चलते हैं, देखते हैं। आजा, ढलाई है। फुल एकदम पास में। मेरे कैमरे को वाट लगा, पता है ब्रिज नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा? बताओ, मेरा थोड़ा धुंधला दिख रहा। देखिए संजय जी, मैंने अभी पहले आपसे चर्चा की कि गंगा जी में बहुत ज़बरदस्त बीमारी है। उसके अलावा जो उसमें दो मेन बीमारी थी जिससे कि गंगा 90% करीब करीब प्रदूषित है, वो अविरलता और निर्मलता की। और वे अविरलता क्यों मतलब ख़राब थी और निर्मलता क्यों नहीं थी, इस विषय में आपको बता दिया। लेकिन जो 10% रिमेनिंग बीमारी है उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से और हमारे जो जनता है जिस तरह से जनता उसे पोल्यूट करती है वो भी उसके अंदर शामिल है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो टैनरीज उद्योग है। टैनरी उद्योग में क्या होता है कि केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और उसमें डाइएजो कंपाउंड्स हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और भी बहुत सी केमिकल्स यूज़ होते हैं। उसमें क्या होता है, रंगने वाले कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसके सफाई करने वाले होते हैं, तो इनको भी हमको ट्रीट करना पड़ेगा। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश कर रखा है कि एक सेकेंडरी एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट पर जो उन कैनरीज के अंदर हों उनमें से सफाई करने के बाद जो बचे उसको आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजिए, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको ट्रीट करके तब जो है उसको मेन एसटीपी में भेजो, और जब उसके बाद जाएगा तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो रहा है और हो जाएगा। और दूसरी बात एक चीज़ और भी है कि उच्च न्यायालय ये चाहता है कि टैनरीज को जो अभी अनऑर्गेनाइज तरीके से
उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनका एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट अलग से बनाया जाए, एक स्थान लेके जब वो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट में जाने लगेंगे तो उस पानी को फिर से रिसाइकिल करके उसे साफ करके फिर उनको उसी में उनको दे दिया जाए, ना कि उसको गंगा जी में मिलाया जाए। तो इस तरह से अगर ये ट्रीटमेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ 5% जो ट्रीटमेंट है, जो इसमें पोल्यूशन है, वो ठीक हो जाएगा। बाकी बची इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर में ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, और जो लोग हमारे हिंदू समाज के लोग हैं वो गलती करते हैं कि मंदिरों का, अपने घर का, पूजा पाठ का जो भी सामान होता है उसको ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। इन सब चीज़ों से हम सब लोगों को परहेज करना चाहिए। और जो मूर्तियां लगाते हैं, अब सैकड़ों हजारों की संख्या में मूर्तियां लगती हैं, उन मूर्तियों को हम लोग ले जाके विसर्जित करते हैं, ये सारी चीज़ों को अब रोकना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से गंगा जी में ना। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर भी किया है कि जो मंदिरों के फूल हैं उनको आप गंगा जी किनारे गड्ढा बना के आप उसमें डालिए और उसका खाद बन जाए, वो लोग अपना इस्तेमाल करें। गंगा जी में फूल डालने से कोई मतलब नहीं है, उससे मछलियाँ खाती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। उसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो गंगा जी में हम लोग ले जाके डाल देते हैं, इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और अगर आप ध्यान दें तो हमारे पुराणों में लिखा है कि गंगा जी स्नान करने से पहले घर में स्नान करके आप जाइए, आप घर में जाके घर में सबसे पहले स्नान कीजिए तब गंगा जी में स्नान कीजिए। लेकिन इस बात के लिए पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा कि वो जाके अपना मल न उसमें त्याग करें, पेशाब न करें, उसमें किसी तरह से गंदगी न करें, क्योंकि गंगा को बचाना हमारा धर्म है। अगर हम गंगा जी को बचाएंगे नहीं तो हमारे देश की जो लाइफलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखिए, एक बात और बता दूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता ख़त्म हो गई लेकिन गंगा घाटी की सभ्यता आज तक जीवित है। क्यों? इसके ईश्वरी प्रसाद ने लिखा कि गंगा जी की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। अगर गंगा जी के किनारे आप देखें तो लाखों लोग केवल दाना छींक देते हैं, बीज छींट देते हैं और उनकी फसल बिना किसी इरिगेशन के हो जाती है। आप चले जाइए मिर्ज़ापुर में, वहाँ छनवर है, और भी बहुत सी जगह इलाहाबाद में, और भी आप नदी के किनारे जाएंगे आप देखेंगे लाखों लोग इसमें सब्जियाँ उगाते हैं, इसमें हम लोगों को फल फूल मिलते हैं, इसमें हम लोग तरबूज उगाते हैं, हम लोग इसमें खरबूजा उगाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नदी देती है, वो नदी इसीलिए देती है कि उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गंगा जी की मिट्टी अपने में स्वयं में इतनी उपजाऊ है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए लोगों को चाहिए कि आप, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि जनता को ये बात मालूम हो कि इसके अंदर जो भी गंदगी है उसको गंदगी न डालें। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए तमाम आदेश कर रखे हैं, मूर्तियों का विसर्जन बंद कर दिया। इसीलिए कुंभ मेला, माघ मेला में आप देखते हैं लोग फूलों से, लोगों को फूल नहीं डालने देते, और बहुत सी चीज़ों के लिए आदेश पारित किया है। तो इसका बात का ध्यान रखें और जनता को जागरूक होना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट को बताना ये वीडियो कैसे लगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, जब तक बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, इन्जॉय लाइफ।